दिल्ली एनसीआर से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगभग 7:02 पर यह भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर में महसूस किया। आपको बता दें, बीते 2-3 माह से लगातार दिल्ली एनसीआर की धरती काफ़ी भूकंप के झटकों को महसूस कर चुकी है। लगातार आज भी 7:02 पर ये भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर में लोगों ने महसूस किया। आपको बता दें, लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है, लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। और आपको बता दें, लगातार पिछले 2-3 माह में ये भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी अपडेट है ये, हम आपको मैप में दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से अभी तक ये कितने रिक्टर पैमाने पर भूकंप आया, इसकी अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन आपको बता दें, रिक्टर स्केल पर जितना ज़्यादा भूकंप होगा उतने ही जान और माल की नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी अपडेट है, मैप में भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस दौरान हमें घरों से बाहर आ जाना चाहिए, खुली आसमान के नीचे, छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। यदि फिर भी कोई यदि घरों के अंदर है तो बेड इत्यादि के नीचे हो जाना चाहिए। घरों के अंदर गैस यदि चल रहा है तो इसको बंद कर देना चाहिए। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को इस दौरान जारी नहीं रखना चाहिए। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, आप लगातार मैप में देख पा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक भूकंप का केंद्र क्या है और कितने रिक्टर स्केल का ये भूकंप आया, इसकी अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। जैसे ही इस संबंध में कोई बड़ी अपडेट आएगी, हम उसे आप तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है, आप जैसा देख पा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में अब से कुछ देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी अपडेट है।